उस दिन मेरी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं थी, जो आप देखते हो मेरी लाइफ के बारे में वो पूरा सच नहीं है। लाइक अगर मैं कमल से बहुत दुखी आती हूँ ना कभी कभी, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपसे दोस्ती इसलिए करते हैं ताकि वो आपकी ऑडियंस ले सके, आई एम प्रेग्नेंट। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। काफी दिनों बाद इस तरीके से क्यू एन ए राउंड होगा आज इस वीडियो में। क्यू एन ए राउंड के लिए यार मुझे दिल से कनेक्शन फील होना बहुत जरूरी है आप लोगों के साथ। कुछ दिनों से आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड। मैंने अपनी स्टेट ऑफ माइंड का हल्का सा एक पोर्शन शेयर किया था आप लोगों के साथ एक वीडियो में अभी रिसेंटली जो मैंने डाली थी, जिसका नाम था वेंटिंग ऑल माई फीलिंग्स आउट। तो जब वैसा फील होता है ना तो मैं ऐसे क्यू एन ए वाली वीडियो नहीं करती, क्योंकि क्यू एन ए मैं बड़ा दिल से करती हूँ। लाइक ऐसे फील होता है मुझे कि आप लोग बस मेरे सामने बैठे और मैं आप लोगों को अपनी दिल की बातें बता रही हूँ, तो जब तक वो नहीं होता मैं नहीं करती। तो फाइनली टुडे आई एम फीलिंग गुड। मैंने सोचा चलो आज ये क्यू एन ए राउंड हो जाए, बहुत वक्त हो गया आप लोगों को ये क्वेश्चंस भेजे हुए, फाइनली आज करेंगे और सवालों के जवाब तो दूंगी, साथ साथ मैं एक मेकअप लुक भी क्रिएट करूंगी। क्यों कर रही हूँ ये मेकअप लुक क्रिएट मैं, क्योंकि इसके बाद मुझे एक वीडियो शूट करनी है जो कि है घर वाले लिविंग रूम का टूर, तो उसके लिए रेडी होना है। रेडी होंगी साथ साथ आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी। करते हैं शुरुआत इसी के साथ इस वीडियो की। तो सबसे पहले मेकअप शुरू करने से पहले, यू ऑलवेज नो मैं स्किन केयर करती हूँ। स्किन केयर में मैं एक बढ़िया सा मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, गाइस न्यूट्रीडर्म। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई हैव यूज्ड दिस मॉइस्चराइजर सो मच। थोड़ा सा बचा है, इसको खत्म कर देंगे हम अब दो तीन बार ऐसे यूज करके। अच्छे से पहले इसको मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक शॉप एंड विन कॉन्टेस्ट चल रहा है न्यूट्रीडर्म वालों का, तो आपको अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट अटेंड करने का मौका मिलेगा गाइस, और वो भी यहाँ नहीं ऑस्ट्रेलिया में। जब भी आप कोई ऑनलाइन अगर अपना न्यूट्रीडर्म का कोई भी फेवरेट प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जहां से भी खरीदा हो, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट, पर्पल से खरीदा हो या फिर न्यूट्रीडर्म की वेबसाइट से खरीदा हो, जस्ट गो टू द न्यूट्रीडर्म इंडिया का वेबसाइट एंड रजिस्टर टू एंटर द कॉन्टेस्ट, दैट्स ऑल। और आप लोगों को मिल सकता है अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट अटेंड करने का मौका। और भी बहुत सारे प्राइसेस हैं छोटे मोटे, बट ये तो मेन ऐसे है, मैंने कहा ये तो मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगी। चलो अब शुरू करते हैं। अब मॉइस्चराइजर लग गया है, अब हम लिप्स को भी मॉइस्चराइज करेंगे, जिसके लिए मैं यूज करूंगी शुगर का लिप बाम है। चलो अब फेस हमारा तैयार हो गया अच्छे से मेकअप के लिए। अब हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। यार आपकी लाइफ बड़ी फैसिनेटिंग सी लगती है देखने में, बट एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रगल्स, वांट टू आस्क दिस। ये पूछा है रुचि 6462 ने। वैसे तो देखो रुचि, आपने सवाल का बहुत ही बेहतरीन जवाब खुद से दे दिया है, जिसमें आपने बोला है कि लाइफ फैसिनेटिंग लगती है लेकिन आपको ये भी पता है कि स्ट्रगल्स तो सबकी लाइफ में होते हैं। तो ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। जो चीज आपको स्पेशली सोशल मीडिया पे दिखती है, मुझे भी बहुत सारे लोगों की लाइफ देख के ऐसे लगता है कि वाह यार व्हाट अ लाइफ, बट मैं उतना ज्यादा उस चीज को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो आपको परफेक्ट लाइफ दिखाई दे रही है ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है भाई। सोशल मीडिया जिंदगी पे तो बिल्कुल भरोसा मत किया करो। मैं खुद भी बोल रही हूँ अपनी लाइफ के लिए भी, जो आप देखते हो मेरी लाइफ के बारे में वो पूरा सच नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो झूठ है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सच होते हैं यार। हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, याद रखना। जो हम नहीं दिखाना चाहते वो हम नहीं दिखाते। तो इसलिए हर किसी की लाइफ सेम है भाई, हर किसी की जिंदगी में स्ट्रगल डिफरेंट जरूर हो सकते हैं लेकिन स्ट्रगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है सेना विश्री ने। आपके माँ भाई भाभी भविका विनाया कब आएंगे मुंबई में आपके घर? देखो यार पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि वो कभी आए नहीं है। मेरे भैया भाभी विनाया तब तक पैदा नहीं हुई थी, और लेकिन भविका थी तो वो लोग आए हुए हैं मेरे पास। हम लोग मस्त शिरडी विरडी गए थे, उन्हें खूब घुमा के यहाँ पे शाहरुख खान सलमान खान सबके घर वर दिखाए हुए हैं हमने, वो आए थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर कोविड आ गया। अब तो जाके कोविड ठीक हो रहा है। तो अब ऐसा है कि देखो जिसका पूरा भरा बुरा परिवार हो ना, उसके लिए निकलना सब काम वाम छोड़ के, पहले भैया को भी देखना है भाई, उसको अपने फैक्ट्री से कितना वो टाइम निकाल सकता है, काम को कितना छोड़ सकता है, फिर बच्चों का स्कूल देखना है, बहुत सारी चीजें देख के फाइनली यू नो कहीं पूरी एक फैमिली जा सकती है। और जब उनको ये मौका मिलता है कि वो कहीं जा सकते हैं, तो व्हाई वुड आई वांट के यार तुम मेरे पास आओ, मैं चाहूंगी मस्त घूम के आओ यार, कोई चक्कर नहीं। मतलब आई ऑलवेज इनवाइट देम, मैं बोलती हूँ, मैं इस बार तो बल्कि मैं उनको ये भी बोल के आई थी कि अब मैं नहीं आऊंगी, अब नेक्स्ट टाइम तुम लोग ही आओगे। बट आई एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड कि यार इतना आसान नहीं है ऐसे यू नो काम स्कूल सब छोड़ के आ जाएं वो मेरे पास। जैसे अब वो एक हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं सोच रही कि अच्छा वहां जा रहे हैं मेरे पास नहीं
आ रहे, मैं भी तो बहुत बार चंडीगढ़ ना जाके बहुत और जगहों पे घूमने जाती हूँ ना, तो इसलिए एक ही बात है ना यार, मैं उनके घर जाऊँ वो मेरे घर आए कोई बात नहीं, एक ही बात है प्यार बने रहना बहुत जरूरी है, दूसरा वो आए थे ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन कंट्री जाने का प्लान हो तो कहाँ जाओगे? यार अभी आजकल मैं और कमल डिस्कस जब भी करते हैं कि जाना है तो हम लोग ना मालदीव्स बहुत डिस्कस करते हैं, लाइक वी ऑलवेज प्लान के मालदीव्स जाना है। तो जब हम प्लान करेंगे तब क्या प्लान होगा मुझे पता नहीं, बट अभी के लिए बार बार मालदीव्स की ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है हिज शुगर फॉरएवर ने, मेंशन 5 व्लॉग्स ऑफ योर्स दैट आर क्लोजेस्ट टू योर हार्ट सो फार। सो 5 तो नहीं, मैं एक बताती हूँ, 5 बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। जिस दिन हम मिष्टी को लेके आए थे पहली बार अडॉप्ट करके घर, वो व्लॉग मैं आज भी कभी उठा के जब मैं बहुत ऐसे फील करती हूँ ना कि आई वॉन्ट वॉच समथिंग नाइस, आई वॉच दैट व्लॉग हैज टू बी लाइक क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। योर फेवरेट इंडियन ब्यूटी कॉन्टेंट क्रिएटर, आई लव श्रेया जैन, उसका टैलेंट सेकेंडरी है मेरे लिए, और पहली जो चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है वो लगती है फ्रॉम वेयर टू वेयर शी हैज़ कम, शी इज़ एन इंस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आइजाली 28 ने, बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ। ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई बिगेस्ट रिग्रेट मेरी लाइफ का, बट हाँ कभी कभी व्हेन आई लुक बैक मुझे ऐसे लगता है कि यार मैंने छोटे होते बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पे ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया, लाइक मुझे बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि मुझे आज तक स्विमिंग नहीं आती है ढंग से, और जो थोड़ी बहुत भी आती है वो मैंने अब थोड़ा सीखी है, मतलब कुछ टाइम पहले सीखी थी मैं, बट मुझे लगता है मुझे बहुत सी चीज़ें मैं और सीख सकती थी। माई मदर डिड हर बेस्ट, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश की, बट अगर मैं और सीरियसली लेती तो मैं कितना कुछ सीख सकती और आज मेरे अंदर और भी बहुत सारे टैलेंट होते। स्विमिंग इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स, आई नो मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट दैट्स द थिंग जो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आई है। तो आई रियली रिग्रेट कि काश मैं मेरे अंदर और टैलेंट्स होते, काश मैंने और लैंग्वेजेस सीखी होती, यू नो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रिया ये ओले ने, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट कितनी लगती है आप लोगों को? एक्चुअली अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई थी मेरे साथ, कोई तो मेरी सब्सक्राइबर मुझे मिली, बोली अरे आप तो कितने छोटे हो मुझे लगा आप बहुत लंबे हो गए तो हाँ मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, आई एम 5'3½ हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपकी और आपके मदर इन लॉ की आर्ग्यूमेंट होती है तो कमल जी किसकी साइड लेते हैं? लव यू लोड्स। विश्वास करोगे एक सच बात बताऊं, मेरी और मेरी मदर इन लॉ की जिंदगी में कभी आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है, मैं उनके आगे रोई बहुत हूँ। लाइक अगर मैं कमल से बहुत दुखी आती हूँ ना कभी कभी, तो शी इज़ द वन जिनको मैं फ़ोन लगा के अपना पूरा गुबार निकालती हूँ और रोती हूँ और मम्मी ऐसे किया, कमल ने ऐसे किया, तो मेरी उनसे कभी भी भगवान की कसम आज तक आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है कोई उनको लेके, मैंने सिर्फ अपने गुबार ऐसे निकाले हैं उनके सामने। सो कमल के साइड लेने की तो बहुत दूर की बात है, हम तो कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है मेरी और मेरी मदर इन लॉ की, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, हम कभी लड़े नहीं हैं। ओ माई गॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा है वो इतने लोगों ने पूछा है कि मैं बोल रही हूँ, मतलब इतने लोग क्यों जानना चाहते हैं कि मैं मामा अर्थ के इवेंट में नहीं गई। गाइस देखो, मैं मामा अर्थ के लास्ट इवेंट पे गई थी जो दिल्ली में हुआ था। अब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है, मैं बहुत मूडी हूँ, अगर मेरा कहीं जाने का मन करेगा तो मैं जाऊंगी, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी टेम्पटेशन दिख रही हो। प्लस मैं उनमें से हूं नहीं जो जिनको लगता है ओ यहाँ पे जाऊंगी, नथिंग अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ पीपल जिनको ऐसा लगता है, बट जस्ट सेइंग दैट मैं उनमें से नहीं हूँ जिनको लगता है कि यहाँ जाएंगे तो यू नो लोगों से मिलना होगा, थोड़ा काम मिल जाएगा, थोड़ा ऑडियंस मिल जाएगी, मैं वैसे तरीके से सोचती ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद उस दिन मेरी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं थी, इनफैक्ट मेरे कपड़े भी रेडी थे, ऑनेस्टली कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि हाँ ठीक है मैं जाऊंगी, बट साथ ही साथ मुझे ये था कि मैं अपने आप को पुश नहीं करने वाली कि भाई जाना ही जाना है आज इवेंट में, बट अल्टीमेटली मेरा मन नहीं किया। निधि ने मुझसे पूछा क्या प्लान है तेरा, फाइनली तूने क्या डिसाइड किया? मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, नहीं मन था तो मैं नहीं गई। हाउ डू यू नो आदित्य हरजाई? आई थिंक यू मीन अर्जुना हरजाई। अर्जुना को मैं ऐसे जानती हूँ दैट ही हैड मैसेज्ड मी वंस ऑन इंस्टाग्राम दैट ही लाइक्स व्हाट यू नो द काइंड ऑफ वीडियोज दैट आई मेक एंड ही वुड लव टू कोलैबोरेट, एंड आई सेड के जब भी मुंबई आओ तो बताना, उस टाइम पे वो दिल्ली में रहते थे, एंड देन दे केम टू बॉम्बे, हम लोगों ने साथ में कोलैब शूट किए, एंड देन वी लव्ड ईच अदर्स वाइब सो मच कि हम लोग हम लोग हॉलीडे पे अलीबाग भी गए, उस तरीके से हम जानते थे। बट आई वुड रियली लाइक टू एड समथिंग अबाउट अर्जुना हियर दैट
ओनली, चलो नहीं कहती, बट ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल ऑन यूट्यूब जिनसे मेरा पाला पड़ा है, एंड आई थिंक के वो लोग बहुत हेल्पफुल लोग हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपसे दोस्ती इसलिए करते हैं ताकि वो आपकी ऑडियंस ले सकें, आपको अच्छे से निचोड़ सकें, आपको यूज़ कर सकें, जब उनका पूरा, जब आपको, जब उन्हें लगे कि अब ये निचुड़ गई है अच्छे से, इसका सब कुछ हमने ले लिया है, अब हमारे ये ज़्यादा काम की नहीं है, तो तब वो ऐसे आपको मक्खी की तरह दूध में से निकाल के ऐसे फेंक देते हैं. जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है वापस, तो देन दे आर नेवर देयर फॉर यू, क्योंकि उन्हें लगता है अभी हमें इससे क्या काम पड़ेगा, छोड़ो अभी हो गया है ना, अब हम क्यों अपनी ऑडियंस शेयर करें. तो हैं ऐसे लोग यूट्यूब पे जिनसे मेरा पाला पड़ा है. बट अर्जुना का मैंने देखा कि मुझे कुछ टाइम पहले अर्जुना की एक चीज़ में ज़रूरत पड़ी, मुझे उससे ऐसे कोई नहीं करना था कि मुझे अपनी ऑडियंस दे दे, बट मुझे उसकी कहीं पे ज़रूरत इस तरीके से पड़ी, मुझे कोई सलाह लेनी थी, एंड आई वाज वेरी अपसेट अबाउट समथिंग, एंड आई वांटेड टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम हिम. दैट गाय स्पेंट मोर देन एन आवर टॉकिंग टू मी एंड गिविंग मी सच गुड एडवाइस एंड बींग देयर फॉर मी. आज के टाइम में अर्जुना का चैनल मुझसे बहुत बड़ा हो गया. जब हम लोग मिले थे वी वर एट पार, इनफैक्ट सब्सक्राइबर्स उनके मुझसे कम ही थे, बट आज के टाइम में उनका चैनल मुझसे बहुत बड़ा हो गया. बट उसने मुझे ऐसे नहीं दिखाया कि अब मुझे तेरी क्या जरूरत है. ही वॉज देयर. मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब ऐसे हैं, बिकॉज देन नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप बोलोगे कि अच्छा, यानी ये भी ऐसी है, यानी ये भी ऐसी है, ऐसा नहीं है. बट वेरी फ्यू पीपल आर लाइक दैट, जो एक्चुअली आपकी, एक्चुअली निधि भी है, मैंने निधि में भी ये चीज़ नोटिस करी है. आप उसे कभी भी कुछ पूछने के लिए फ़ोन करोगे ना, शी विल गाइड यू एंड शी विल टेल यू 10 एक्स्ट्रा थिंग्स ऑल्सो. कैसे कई लोग होते हैं ना कि हम क्यों बताएं टाइप्स, यू नो, या आई डोंट नो एक्चुअली, वो थोड़े ऐसे लोग होते हैं. सो अर्जुना इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम, एंड मेरा दिल जीत लिया उस दिन अर्जुना ने. मुझे लगा कि वाओ यार, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि अब पता नहीं, बट ही प्रूव्ड मी रॉन्ग एंड इट वॉज सो नाइस. हाउ डू यू रिएक्ट टू इरिटेटिंग कॉमेंट्स फ्रॉम क्लोज रिलेटिव्स रिगार्डिंग टॉपिक्स लाइक लाइफ स्टाइल एंड बेबी? ऑनेस्टली मुझे मेरी फैमिली वगैरह से कभी भी इरिटेटिंग कॉमेंट्स बेबी को लेके आते ही नहीं है, या लाइफस्टाइल को लेके आते ही नहीं है. मेरी मम्मी की बात छोड़ो, मतलब मैं सास ससुर की भी बात करूँ, उनकी तरफ से भी मुझे ऐसे इरिटेटिंग, शी ऑलवेज आस्क्स मी कब कब कब, बट वो ऐसे इरिटेटिंग तरीके से मुझे बोलते नहीं है. सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मुझे इस तरीके से आते हैं वो मुझे यूट्यूब पे ही आते हैं. मुझे मेरी फैमिली से भगवान की कृपा से कभी भी ऐसे इरिटेटिंग कमेंट्स नहीं आते हैं. मेरी सास भी अगर मुझे पूछती है तो बहुत ही क्यूटली डांट भी देती हैं, बट वो उनका स्टाइल है. मे बी आई जस्ट लाइक हर टू मच कि मुझे उनके कोई भी चीज़ इरिटेटिंग नहीं लगती है. मे बी दैट इज़ द रीज़न, बट या I am not obsessed with my mother-in-law. If it is coming across like that, I just like her way too much. She is that person जो मेरी बहुत अच्छे से मेरी दिल की बात को समझ लेती हैं. She is amazing. Are you planning to get another dog anytime soon? I will never get another dog in my life, guys. Never. हम लोग इतना प्यार करने लग जाते हैं इन लोगों से. देखो responsibility तो बहुत बड़ी है, ठीक है, और हम कुत्तों को वैसे भी कुत्तों की तरह नहीं रखते ना कि ऐसे बांध के छोड़ दिया कहीं पे भी. हम लोग ऐसे ऐसे अपनी छाती पे लोटाते हैं ना, जैसे वैसे अपने बच्चों को पालते हैं ये कुत्तों को. तो हमारे लिए इट गेट्स टू मच. कई बार दो को ही हैंडल करना अभी काफ़ी हो रहा है. तो वी विल नेवर गेट अनदर डॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डजंट योर मॉम कम टू मुंबई टू स्पेंड सम टाइम विद यू गाइज इन मुंबई? गाइज सबसे पहले तो मेरी मम्मी ठीक नहीं रहते, मेरे मम्मी बीमार रहते हैं थोड़ा, प्लस शी इज़ अब्सेस्ड विद माई ब्रदर. यस, वो एक्चुअली वो वाली माँ है जिनको अपने बेटे के आगे कुछ नहीं दिखता है, एंड शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल विद हिम एंड इन हर वो जोन जो है उनका, उनकी जो सराउंडिंग, शी इज़ जस्ट वेरी कम्फर्टेबल. तो उनको प्लस वो उन्हें इतना खुले में रहने की आदत है, जब वो बॉम्बे के बारे में सोचती हैं तो छोटे छोटे फ्लैट में उनका दिल वैसे ही बड़ा घबराता है. प्लस उन्हें लगता है मैं यहाँ आऊँगी, अगर मेरे साथ तबीयत में ये हो गया तो फिर मैं अपने डॉक्टर को कैसे दिखाऊँगी, ये कैसे करूँगी, उनके बहुत सारी चीज़ें रहती. तो ऐसे हाथ जोड़ देते हैं, ये लो माते जब आपको आना हो तब आना, ये लो. आपको तो लगता है मुंबई में डॉक्टर ही नहीं है तो ठीक है, बैठो अपने घर. हबी से इतना प्यार होकर भी यू आर वेरी क्लियर विद योर फिनेंस प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्कस करते हो? ये क्वेश्चन पूछा है ज्योति से, ज्योति ने. ओके, सो द थिंग इज, प्यार अपनी जगह है,
लेकिन हिसाब किताब अपनी जगह है. और हम दोनों ही ऐसे हैं, वे वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन. जब हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी थे तो हम लोग बिल स्प्लिट करते थे, जब हम लिव इन में आए तो हम रेंट स्प्लिट करते थे, अब फिर हमने शादी करी तो अभी भी हम सब कुछ स्प्लिट करते हैं और हमारे जो पर्सनल खर्चे हैं वो हमारे हमारे होते हैं. बट आई डोंट थिंक ये कोई इतनी हैरानी वाली बात है, बिकॉज अभी बड़े सिटीज़ में जहाँ पे इतने खर्चे हैं, लड़की लड़का दोनों कमा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल दीज डेज. इट्स नॉट लाइक कोई बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसे कर लेते हो इतने प्यार होने के बावजूद. इट्स वेरी नॉर्मल, दोनों कमा रहे हैं तो दोनों खर्चेंगे भी. इट्स नॉट लाइक ना कि वो कमा के खर्चता रहे, मैं कमा के जोड़ती रहूँ या वाइस वर्सा. सो इट्स वेरी नॉर्मल एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी. अब मैं मेकअप आई मेकअप शुरू कर लेती हूँ, दो मिनट दो मेरे को, फिर मिलती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज योर एज व्हेन योर फादर एक्सपायर्ड? आई वाज इन सेकेंड स्टैंडर्ड व्हेन ही पास्ड अवे एंड मैं तकरीबन होंगी 5-6 साल की, तकरीबन उतना ही होता है तीसरी सेकेंड क्लास का बच्चा 5-6 साल की. हाँ, एंड ही मेट विद अ रोड एक्सीडेंट, दैट्स हाउ ही पास्ड अवे. Which vlogger do you like the most or get inspiration from? ये लिखा है राहुल खोकर ने. तो राहुल basically ऐसे कोई ये नहीं है कि कोई एक कौन सा है, but मैं सबसे ज़्यादा ऐसे inspire किससे होती हूँ वो मैं कहूँगी कि जितने भी daily vloggers हैं ना, मैं उनसे बहुत inspire होती हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि यार अलग लेवल का हार्डवर्क चाहिए डेली व्लॉगिंग करने के लिए. जो करते हैं उनको सल्यूट है भाई. ऑनेस्टली आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स ऐसे डेली व्लॉग करना, बट मैंने हर बार गिव अप किया. मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा रोज़. सो या जो लोग करते हैं आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम. वर यू एवर इन अ डिप्रेस्ड मेंटल फेज इन लाइफ? इफ येस, हाउ डिड यू ओवरकम इट? सो डिप्रेशन तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, ऐसे मैं कभी उस लेवल का डिप्रेशन तो मुझे नहीं हुआ है, बट हाँ मेरे लोज आते हैं यार. अभी मेरा लोज ही चल रहा है, आपको वीडियो में देख के पता नहीं चलता है, बट क्योंकि मैं आई यू नो पुट ऑन दिस मास्क, नहीं बोलूंगी, बट ऑब्वियसली आप वीडियो बनाने बैठ रहे हो तो यू विल बी ऑल चर्पी, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल वांट टू सी यू. खुद लो हो तो लोगों को लो नहीं करना है ना हर वीडियो में, तो इसलिए यू बिकम हैप्पी जब कैमरा ऑन होता है. बट अदरवाइज राइट नाउ आई एम इन माई लोएस्ट फेज ऑफ लाइफ कह सकते हैं. आई एम नॉट हैप्पी इंटरनली, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सैडनेस, काफ़ी मैं फील कर रही हूँ. कैसे मैं कोप अप करती हूँ? कुछ नहीं, आई लेट इट पास यार, अब क्या कर सकते हैं. आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स विच मेक मी हैप्पी एंड आई लेट इट पास. इट्स ओके, हाईज हमेशा नहीं रह सकते हैं, लोज भी आएंगे ही, सो इन्जॉय द लोज ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दूसरी आई कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे बात करते करते आई नहीं कर पाऊंगी. ओके, उसके बाद जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ना आफ्टर द मामा अर्थ इवेंट वाला क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड है मैं बच्चा कब कर रही हूँ. गाइज आई एम प्रेगनेंट. क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो आप लोग. अरे यार जब होगा बता दूंगी, जब होगा ऊपर वाले की कृपा होगी, ऊपर वाला देना चाहेगा दे देगा, इतनी टेंशन मत लिया करो. मैंने लेनी छोड़ दी अब इस बारे में टेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन सोना त्रिपाठी, हाउ डू यू कोलैब विद ब्रांड्स थ्रू योरसेल्फ और योर एजेंसी? बेसिकली देखो जब आपका चैनल थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो अपने आप ही डिजिटल एजेंसीज वगैरह जो है वो आपको कांटेक्ट कर लेती हैं. आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी कहीं ना कहीं तो छोड़ी होती है वीडियोस के नीचे या कहीं पे, तो वो लोग वहाँ से देख के या तो आपको मेल करते हैं, नहीं तो उनके पास अगर नंबर अरेंज होता है तो वो सीधा फोन कर लेते हैं. दैट्स हाउ यू बेसिकली गेट ब्रांड डील्स. डायरेक्टली ब्रांड्स बहुत कम होते हैं हु लाइक टू यू नो गेट इन टू ऑल दिस. मोस्टली सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वो डिजिटल एजेंसी ही हायर करते हैं एंड उन्हीं के थ्रू हम लोगों को ब्रांड डील मिलती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेवा ने, डू यू लाइक टू लिव इन प्रेजेंट और लिव फॉर फ्यूचर? सो कुछ टाइम तक आई ऑलवेज यूज टू लिव फॉर फ्यूचर. मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती थी, मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है. चाहे वो मुझे ये था कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे इतने पैसे जोड़ने हैं अपने बुढ़ापे के लिए, ऐसी चीजें ही मेरे दिमाग में चलती थी. ऑनेस्टली वो चेंज हो गया है और वो चेंज इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें कर ली हैं अपनी लाइफ में अचीव. लाइक चाहे वो एक छोटा सा घर बनाना हो तो अब मुझे पता है ठीक है मैं कभी भी ऐसे होमलेस नहीं होंगी. मतलब फ्यूचर एक तरीके से अब मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा मुझे सिक्योर लगता है, इसलिए नाउ आई हैव स्टार्टेड लिविंग इन द प्रेजेंट. इसलिए अब मैं थोड़ा सा कुछ कहीं जाने का पैसे खर्च करने का कुछ भी मन करता है तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अभी ऐसे सारी जिंदगी फ्यूचर के बारे में सोच के खराब नहीं कर सकती हूँ ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर यू इन्वाइटेड टू द कॉस्मो अवार्ड्स? If yes, why didn't you go? I was not invited to the Cosmo Awards. Mostly Instagram के लिए. अच्छा? देखो ये तो दिल को समझाने के तरीके हैं. YouTube कितने YouTubers जाते हैं Cosmo पे? अच्छा मुझे एक्चुअली आई डोंट नो मच अबाउट Cosmo Awards. Mostly Instagram. हाँ मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, बट हाँ
इसलिए भी नहीं पता शायद क्योंकि कभी मुझे बुलाया नहीं है. सो या आई वाज नॉट इनवाइटेड. ओके नेक्स्ट इज समटाइम्स सीइंग एवरीवनस पोस्ट ऑन सोशल मीडिया मेक्स मी फील लेस अबाउट माय सेल्फ. आई एम टेलिंग यू डू नॉट बिलीव व्हाट यू सी ऑन सोशल मीडिया. देयर सो मेनी लाइज ऑन सोशल मीडिया. जो आप देखते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि है. सो प्लीज आप अगर अपने आप को छोटा समझते हो इस वजह से डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डील व्हेन माय हस्बैंड चीट्स ऑन यू. Your husband cheats on me. देखो अगर तुम्हारा हस्बैंड मुझ पे चीट करेगा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं वन ऑफ योर हॉबीज विच यू आर नॉट एबल टू फोकस नाउ बट वॉन्ट टू स्टार्ट इन फ्यूचर. ऑनेस्टली देर इज वन और मैंने वो शुरू भी की थी हॉबी. मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया था बट आई लव हारमोनियम सीखना. मुझे बहुत पसंद है और मेरा बचपन से मतलब मैंने सीखा भी हुआ है थोड़ा और मुझे हमेशा से शौक था कि मुझे हारमोनियम और आगे यू नो इसको लेके जाना है सीखना है जस्ट अपनी खुशी के लिए. और अभी मैं कुछ दिनों पहले क्लास के लिए भी गई बट वो क्लास इतनी दूर निकली मेरे घर से कि मुझे 1 आवर लगा वहाँ पहुँचने में जबकि रास्ता 20 मिनट्स का था. बट ट्रैफिक फिर पार्किंग नहीं मिली इतना कुछ हुआ कि मैं फिर मैंने सोचा मैं कोई और क्लास ढूंढूंगी. बट हारमोनियम इज समथिंग आई रियली वांट टू लर्न. लास्ट स्टेप पे हम पहुंच गए हैं. मेकअप फिक्स कर रहे हैं. इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. योर करंट सेलिब्रिटी क्रश जो था वो है वही रहेगा. गैस करो गाइज. मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ हु इज़ माई सेलिब्रिटी क्रश. हमेशा मेरा वही था मतलब काफ़ी टाइम से और अभी भी वही है. प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. मैं नहीं कर रही हूँ ये आंसर. दिस इज़ योर टेस्ट. अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छे से ध्यान से देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन है मेरा सेलिब्रिटी क्रश. लेट मी नो. ठीक है. लिपस्टिक मुझे पसंद नहीं आ रही है ये वाली शेड. एटलीस्ट इस लुक के साथ तो बिल्कुल नहीं आ रही है. तो आई विल गो फॉर सम अदर शेड. अभी चेंज कर लेते हैं. ऑलराइट गाइस. सो हो गया मेरा मेकअप कंप्लीट. जितने क्वेश्चंस मैं ले सकी मैंने ले लिए मेकअप के साथ साथ. सो यस गाइस आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉयड दिस मेकअप लुक एंड आई रियली होप कि आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिले हों और किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं शायद मेरे आंसर्स आपके लिए हेल्पफुल भी रहे हों. एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉयड दिस वन. इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. टेक केयर गाइस.